मक्खी मुझे परेशान कर रही है, पता नहीं कैसे, लाइट की वजह से। तो दोस्तों मैं सैड सॉन्ग क्यों बना रही हूँ इस टाइम, आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं। मैं अभी जस्ट इंस्टा पे मतलब रील अपलोड की हूँ और यूट्यूब पे भी सैड सॉन्ग। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि मतलब सैड सॉन्ग मैं इसलिए बनाती हूँ कि मुझे पसंद होते हैं। कुछ आप लोगों में से कोई कोई का मतलब किसी किसी का डिमांड होता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सभी के तो नहीं कह सकते, पर हाँ कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं जो कि वो लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब हम सैड सॉन्ग क्यों बना रहे हैं और करवा चौथ आ रहा है तो हमें मतलब अच्छे सॉन्ग पे रील बनाना चाहिए। मतलब सैड सॉन्ग भी उन लोगों को अच्छा लग रहा है, पर उन लोगों को चिंता हो रही है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, हम दोनों लोगों के बीच में कुछ ऐसा है, इसलिए मतलब हम सैड सॉन्ग्स बना रहे हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मतलब मुझे सैड सॉन्ग्स कभी कभी अच्छे लगने लगते हैं, न जाने क्यों, तो मैं बना लेती हूँ। और दोस्तों कुछ आप लोगों में से मतलब किसी न किसी की मतलब च्वाइस होती है, जैसे कमेंट्स आते हैं कि ये सॉन्ग करिए, तो मैं उस सॉन्ग को सेलेक्ट करके मैं बनाती हूँ। और आप लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा करिए कि मतलब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है इसलिए मैं ऐसा बना रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि लाइफ है तो सबकी मतलब कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो प्रॉब्लम होती ही रहती है, पर मैं जो भी मतलब सैड या फिर मतलब जो भी रोमांटिक सॉन्ग है या जो भी सॉन्ग है मैं करती हूँ, तो मैं सिर्फ रील बनाने के लिए मैं करती हूँ। ऐसा कुछ भी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी नहीं रहता है, बस जो अच्छा लगता है वो करते हैं। और जैसे कि आप लोगों में से किसी का मतलब आया रहता है कि मतलब इस सॉन्ग को करिए, तो फिर वही सॉन्ग मैं करती हूँ। तो दोस्तों और वैसा कुछ भी बात नहीं है, तो आप लोग हमको लेकर के ज़्यादा चिंतित नहीं हुई है, हम बिल्कुल अच्छे हैं और हम लोगों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है, हम एकदम अच्छे हैं, एकदम मस्त हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोगों का प्यार इसी तरीके से जिस तरीके से मिल रहा है इस तरीके से हमेशा मिलता रहे, और मुझे कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जैसे कि मैं रील सेट बनाती हूँ, तो आप लोग बिल्कुल भी इस बात को लेकर के चिंतित नहीं होया करिए कि मतलब मैं सैड बना रही हूँ तो लाइफ में सैड हूँ। मैं पिछले मतलब पिछले भी वीडियो में मतलब बहुत पीछे मतलब मैं वीडियो में बताई थी कि मेरा इससे कोई लेन देन नहीं है, मतलब मुझे वो अच्छा लगता है। आज ही मैं एक सॉन्ग बनाई हूँ कि मैं गाना भी भूल गई, मतलब ऐसे ही था कि मतलब मेरे महबूब शायद कुछ नाराज़ हैं मुझसे, ये एक सॉन्ग था, मैं अभी बनाई हूँ और यूट्यूब पे अपलोड की हूँ। तो ये सॉन्ग्स मेरे को बनाने के लिए बोला गया था, मैं इसलिए बनाई थी। सैड सॉन्ग तो है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, मुझे ये सॉन्ग बहुत ही पसंद आया, बहुत पसंद आया। तो मैं यही सॉन्ग बनाई थी, तो इस सॉन्ग पे ही मतलब कोई कमेंट में लिखा था कि मतलब आप ऐसा क्यों मतलब गाना बना रही हैं, अभी तो करवा चौथ मतलब आने वाला है तो आप उस टाइप का सॉन्ग बनाइए। उनका भी कहना सही है कि उस टाइप का सॉन्ग बनाना चाहिए, लेकिन दोस्तों आप लोग नाराज़ नहीं होया करिए, बस मुझे अच्छा लगा और ये बनाने के लिए मतलब कमेंट आया था तो मैं बनाई हूँ, जो कि बहुत प्यारा गाना है, बहुत प्यारा है। आप लोग सुनिएगा तो बहुत प्यारा लगेगा। आप लोग मेरी वीडियो में शॉर्ट वीडियो में यूट्यूब पर देखिए, इंस्टा पर भी देखिए, बस सॉन्ग अच्छा है, चाहे सैड हो चाहे जैसा भी हो, पर अच्छा है सब। तो आप लोग ढेर सारा प्यार दिया करिए दोस्तों, और मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। और वैसे मैं 2 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रही थी दोस्तों, क्योंकि मैं घर की साफ़ सफाई कर रही थी, क्योंकि 20 अक्टूबर को है करवा चौथ और मैं तैयारियाँ मतलब दीपावली से पहले ही सारा मैं मतलब तैयारियाँ कर लेती हूँ, क्योंकि दिवाली के समय तो मान लीजिए जो भी करना रहता है करना ही रहता है, लेकिन मैं पहले ही सारा कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब करवा चौथ से पहले मतलब सारा कुछ तैयारियां घर की जो होती हैं मैं पहले ही कर लेती हूँ। मेरा जो भी डिब्बा उब्बा साफ करना रहता है या फिर घर साफ सफाई करना रहता है मैं सब पहले ही कर लेती हूँ, तो हर बार मैं कर लेती हूँ और इस बार भी मैं कर ली हूँ, सब साफ सफाई अपना मैं कर ली हूँ, ताकि मेरा करवा चौथ आए तो मैं आसानी से मतलब साफ सफाई से मैं कर सकूँ। इसलिए मेरा दोस्तों 2 दिन से मेरा वीडियो भी नहीं आया था, लॉन्ग वीडियो मेरा बीच में गैप हो गया था, क्योंकि काम करने में ही समय बीत जा रहा था, वीडियो भी नहीं, शॉर्ट वीडियो भी मैंने ही परसों दिन बनाई थी, मतलब पीछे का वीडियो रखी थी तो मैं उसी को अपलोड की थी, और मैं थक गई थी काम करते करते, और फाइनली आज मेरा 2-3 दिन बाद काम हो गया तो मैं आज वीडियो बना रही हूँ। आज मैं कमेंट भी पढ़ी हूँ तो मेरे को लगा कि बताना चाहिए कि सही बात है भाई, करवा चौथ आ रहा है, थोड़ा मन चंचल रखना चाहिए, उदास क्यों, लेकिन कोई बात नहीं है, हम तो ठीक है। देखिए बिल्कुल
अच्छे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरी घर की मतलब साफ़ सफाई हो चुकी है और सब तैयारियां भी हो चुकी हैं। अब कल है, कल से मेरा दूसरा मतलब चीज़ स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कल है, कल सैटरडे है, कल कल के बाद परसों दिन तो है ही। तो कल मैं मेहंदी लगवाऊंगी, तो मैं उसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो सारा देखिएगा आप लोग। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। और आप लोग बिल्कुल भी नहीं सोचा करिए कि हम उदास हैं, हम बिल्कुल भी सदा उदास नहीं रहते हैं, कभी नहीं उदास रहते हैं। बस मुझे एक्ट करना अच्छा लगता है, चाहे सैड हो, चाहे रोमांटिक सॉन्ग हो, चाहे कोई भी सॉन्ग हो, मुझे जो पसंद आ गया मुझे एक्ट करना अच्छा लगता है। बस मुझे आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, आप लोग प्यार दीजिए। और मेरा एक्ट कैसा है आप लोग ये भी बताइए, और मतलब जो भी मतलब लगेगा कि नहीं तो आप लोग बता भी सकते हैं कि इसमें थोड़ा ऐसा करना है वैसा करना है, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और अभी मैं सारा काम कर चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ एलेक्स को पढ़ाने के लिए, क्योंकि एलेक्स का मतलब 1 बजे छुट्टी हुआ, आ गया, खाना वाना खा लिया है। अब जा रहे हैं उसका होमवर्क कराने, फिर उसके बाद शाम को काम करना है, फिर मेरे को कल तैयारी करनी है। और मैं दोस्तों मैं वीडियो तो बना ही नहीं पाई, मेरे कपड़े आए, मतलब मैं कुछ भी वैसा वीडियो बना ही नहीं पाई मैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि वीडियो कोई शूट करने वाला है नहीं, ये चले ही जाते हैं अपने ऑफिस, और ये ऑफिस नहीं जाएंगे तो काम नहीं करेंगे, तो फिर हम लोगों का काम नहीं चल पाएगा। तो इसकी वजह से वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, वो अपना खा पी के सुबह अपने ऑफिस चले जाते हैं पार्सल वाला काम करने, और मैं अपना घर पे खाना पानी खाने खिलाने के बाद मैं अपना वीडियो में लग जाती हूँ, मतलब अपने आप को मनोरंजन भी करती हूँ, व्यस्त भी रखती हूँ, और आप लोगों से जो कमेंट आते हैं मैं उसको पढ़ के खुशी भी रहती हूँ। तो बस मेरी लाइफ यही है दोस्तों, बस कुछ नहीं। तो बाय बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो में।